ये लोग सिर्फ बहाना बना रहे हैं और बहाना बनाकर जनता के बीच से भागना चाहते हैं। एकदम स्वागत है। उत्तर प्रदेश में कब कार्यक्रम करना चाहते हैं बताएं, हम लोग उनको परमिशन दिलवाएंगे, एकदम चिंता मत करें। अच्छी बात है, पूरे देश से विरोधी मिलेंगे तो चाय नाश्ता का जरूरत पड़ेगा तो हम लोग करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रैली क्या स्थगित की, जनता के बीच बहाना ढूंढकर भाग रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का, और उन्होंने कोई परमिशन नहीं लिया था। अगर परमिशन नहीं मिला है तो हम उनको परमिशन दिलाते हैं और वहाँ पर वो रैली करें, भीड़ जुटाने का काम वो स्वयं करेंगे। लेकिन वो तो सिर्फ एक बहाना ढूंढ रहे हैं और भाजपा पर सिर्फ ठीकरा फोड़ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है उसी 19 दिसंबर को। इसको लेकर कहीं ना कहीं 19 दिसंबर को जो बैठक होने वाली है उसको लेकर भाजपा ने निशाना साधा है। भाजपा की ओर से सम्राट चौधरी ने सीधे शब्दों में कहा कि ये लोग बैठक नहीं बल्कि चाय और नाश्ता करेंगे और फिर अपने अपने घर रवाना हो जाए। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से संसद भवन के अंदर चूक हुई और सुरक्षा में चूक कर लेकर लगातार जिस तरीके से विपक्ष सवाल उठा रहा है, वहीं उसको लेकर उन्होंने जवाब देते हुए सीधे शब्दों में कहा कि कठोर कार्रवाई की जा रही है, जो लोग इसमें सम्मिलित हैं उन पर कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई में पुलिस प्रशासन अधिकारी जुटे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, किस तरीके से नीतीश कुमार पर उन्होंने निशाना साधा है यूपी वाली रैली को लेकर, क्या कुछ कह रहे हैं पहले वो आप जरा गौर से बुलवाया जा रहा है। देखिए, कार्यक्रम जनता दल यूनाइटेड का था ही नहीं। जनता दल यूनाइटेड ने कोई लिखित आवेदन उत्तर प्रदेश सरकार में कहीं दिया ही नहीं, ना किसी कॉलेज में दिया। ये लोग सिर्फ बहाना बना रहे हैं और बहाना बनाकर जनता के बीच से भागना चाहते हैं। एकदम स्वागत है। उत्तर प्रदेश में कब कार्यक्रम करना चाहते हैं बताएं, हम लोग उनको परमिशन दिलवाएंगे, एकदम चिंता मत करें। और लेकिन जनता इनको स्वयं जुटानी पड़ेगी। राजद कह रही है कि संसद में जो हंगामा हुआ वो बीजेपी के बाद ले लीजिएगा, बीजेपी के वोटर थे वो लोग। देखिए, जो लोग भी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, कठोर से कठोर कार्रवाई करके उनके खिलाफ उनको जेल के अंदर बंद किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कुछ नेता लोग मिलेंगे, बंद कर यार। वो लोग वहाँ चाय नाश्ता करेंगे। अच्छी बात है, पूरे देश से विरोधी मिलेंगे तो चाय नाश्ता का जरूरत पड़ेगा तो हम लोग करेंगे। तो आपने सुना किस तरीके से सीधे शब्दों में उन्होंने कहा कि वो सिर्फ बहाना ढूंढकर भागना चाहते हैं, परमिशन की जरूरत है, हम उन्हें परमिशन दिलाएंगे, लेकिन भीड़ जुटाने का काम वो खुद करना पड़ेगा उन्हें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे लाइव इंडिया हर पल के लिए।